एक बात बता, गलती इसकी नहीं है भाई साहब, सावन सावन के बेचारे ने व्रत कर रखे ना, जाथर है ही नहीं इसके बदन में अब। जाथर तो बहुत है। अच्छा एक बात बता, क्या कह रही है कि झगड़ा कौन करे है? तेरी माँ करती है झगड़े। अच्छा मेरी माँ करती है झगड़े? हाँ। माता जी सही बताइयो, कौन सी है तेरी माँ? यो बैठी देख, पूछ ले। झगड़ा करे है ना? माँ कौन करा? माँ कौन ही करे? माँ करे ही ना सकती। और का बहू करे है? बुढ़िया ले लियो तू, रात को पोई पुवाई चलिए घर। एक बात बता, हाँ तुझे मेरी माँ से क्या एलर्जी है ये बता। तेरी माँ से? हाँ। तेरे पूरे खानदान से एलर्जी है? मेरे खानदान से एलर्जी है? हाँ। लेकिन एक बात बता, हाँ अगर तुझे मेरी माँ से एलर्जी है तो कोई दिक्कत नहीं। अरे इतनी चपर 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 मत बोले, शर्म करे कर थोड़ी बहुत। किसकी? अरे कम से कम मेरी शर्म ना करे, मेरी माँ की शर्म ना करे तो मेरे पिताजी की तो कर दे। देखियो इसने, हाँ माँ कितकी पिताजी कितको, पिताजी की शर्म करूं? हाँ अब नहीं करूंगी किसी की शर्म। ना करेगी? ना। क्यों ना करेगी? शर्म न्यू नहीं करूंगी। हाँ कि काफी दिन हो गए हैं, कई साल हो गए मुझे अब साझे में रहते रहते। अच्छा साझे में रहते रहते कई साल हो गए तुझे? और तू न्यू बता, हाँ कि आज मंथ का लास्ट डे है। हाँ आज तुझे तनख्वाह मिली थी? तनख्वाह मिली थी, पेमेंट मिली थी। हाँ तो हाफ डे में आ गया आज? जरूर आना था। न्यू बता पैसे कहाँ है तेरे? पैसे? हाँ तनख्वाह कहाँ है? जो तनख्वाह मिली थी, जैसे पहले हर महीने की तनख्वाह अपनी माँ को दिया करता था, ऐसे ही आज दी है, ऐसे ही आगे दूंगा। सत्यानाशी अपनी माँ को फिर दे दी? अब मार। तू एक काम कर, तू निकल ले आंसू। क्यों? तू अपनी माँ धोरे जा। माँ धोरे जाओ? हाँ लेकिन एक बात बता भगवान। हाँ जब मैं सुबह सुबह ड्यूटी गया था, हाँ सुबह सुबह ड्यूटी गया था तो तेरा मूड बिल्कुल फ्रेश था, बिल्कुल बढ़िया था, बिल्कुल। लेकिन अब जब ड्यूटी से आया हूँ, हाँ। और आते ही माँ को तनख्वाह दे दी है तो तेरे माथे में 3.5 सड़ोट पड़ी है, क्या बात है? मैं कह रही हूँ मेरी आंखों में खून उतर रहा है जब से मैंने सुनी है। क्या? कि तेने पैसा अपनी माँ को दे दिए। क्यों माँ का बेटा नहीं हूँ? तूने मुझसे पूछी? क्या तूने सलाह ली मुझसे? भाई ऐसे कौन कितने हैं रिश्तेदारों जो बावड़ में भी आए हैं, चौकड़ों के भी आए हैं, उनको छोड़ के एक बार हाथ उठा के बता दो जो अपनी अपनी घरवालियों से सलाह लेते हैं। जो घरवाली से सलाह लेते हैं उनका घर अच्छा चलता है। अच्छा हाँ किसके किस किस का घर चल रहा है जी? सबके अच्छे चलते हैं, सारी अपने अपने पतियों को सलाह देती है जितनी बैठी हुई हैं। पिताजी पिताजी तेरा पिताजी भी माता सलाह लेवे है? कौन ही लेवे? लो बहुत देर हो गई तुझे। क्या मुझे गुस्सा भी आ जा देख ले कभी कभी? तुझे गुस्सा आ जा तो मुझे गुस्सा आ जा। अच्छा हाँ क्या करेगी? मैं न्यू कैरी हूँ। हाँ चल तूने आज तो पेमेंट अपनी माँ के हाथ में दे दी, कोई बात नहीं। ओहो जा बच्चा तुझे आज माफ किया। क्या कहा? लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा इस घर में। अच्छा आज के बाद जो भी तुझे तनख्वाह मिलेगी सारी मेरी जेब में जाएगी। यानी कि यदि मैं तनख्वाह तुझे ला करके दूं तो तू न्यारा नहीं होगी? न्यारा नहीं होगी। और अगर तनख्वाह अपनी माँ को देगा, हाँ तो तुझे ऊपर पहुंचा दूंगी। देख तनख्वाह माँ से दिया करता था, आज भी माँ से ही दिया, आगे भी माँ से ही दूंगा, लेकिन फिर भी अगर ज्यादा बोलती है तो एक रेपटे में बुलंदशहर मिलेगी देख ले। हे हे हे। सुन मेरी बात। एक ही मिनट टन टन बोलेगा क्या अपनी बात? सुन मेरी बात। हाँ जी मरेगी, तेरी छाती में टक्कर मार के मरूंगी। मैं नू कह रहा हूं दादी मां नहीं जाती। मैं कह रही पोते मां नहीं जाता। अरे बोलगी क्यों बोलगी? हाँ पिताजी नाप दूं? पिताजी ये पता है बहु ही गच्चू माल खवा सके। हाँ अरे बोलगी क्यों बोलगी? हाँ तरारे में और मैं तो रहूंगी बलम इबन्यारे में, रहूंगी बलम इबन्यारे में। बोलगी 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 बोलगी
अच्छा न्यारे होने के भी सुख होया करते हैं? ऐसे ऐसे सुख है तो सोच भी नहीं सकता। न्यारा होने के बाद सुख नहीं मिला करता बल्कि दुखी दुख मिला करते हैं। तू तो बावड़ा हो रहा है परिवार के चक्कर में। अच्छा तेरी आँख खोलूंगी मैं आज। मेरी आँख खोलेगी, सारी बात बताऊंगी। पहले मेरी सुनो। क्या है अपनी बात? क्या दे लेगी। अच्छा सासू ननद जिठानी तू किसते देवर कह के बोलेगी? नहीं। अगर पड़ोसन हाँ। ये कमला बिमला। अच्छा चाची राजबाला, ये अगर पड़ोसन, ये अगर पड़ोसन ताने हमारे काल जेने छोलेगी। अगर पड़ोसन ताने हमारे काल जेने छोलेगी। ये अगर पड़ोसन ताने हमारे काल जेने छोलेगी। तू ही एक हाँ। तू ही एक कमावे कुन वठाली पड़ कैसो वैसे 20-30 बाल का सर पे बोझा ढोवे से अपने कष्ट। तू अपने कष्ट हाँ। तू अपने कष्ट कमाए ने की पानी की जो अपने कष्ट कमाए ने तू पानी की जो होवे से अपने कष्ट कमाए ने तू पानी की जो होवे से मेरी मान जा मेरी मान जा मेरी मान जा बात तू इशारे में मैं तो रहूंगी बला में अपने नारे में माता बहनों एक बार हाथ उठा करके बताइयो हाँ। जिनकी शादी होगी हो और जो न्यारी हुई हो वो हाथ उठा के बता दो। माता जी तू भी अब साझी रह रही है के? सारे न्यारी हैं। मुझे ऐसे लगे जो दो चार तो ऐसी बैठी है जिनका जोड़ा भी बिछड़ लिया होगा पर हाथ नहीं उठाने को तैयार नहीं है। अच्छा ऐसी कितनी है, ऐसी कितनी है जो नाच कूद कर न्यारी हुई हो? तुझे क्या पता न्यारे के कितने सुख है। सासू गया खानदान की। क्या कहा? गया खानदान की। ये क्या होता है तुझे नहीं पता? नहीं भाई वो भी बढ़िया है। देख मैं बताऊं, गया खानदान उसे कहा करते हैं हाँ। जो पढ़ा लिखा परिवार हो। अच्छा। जो शिक्षित परिवार हो है? हाँ जिस परिवार में सारे बालक पढ़ लिख जा उसे सबसे बढ़िया और सुथरा परिवार कहा करते, इसलिए कहा करते कि गया खानदान। अच्छा तू गया खानदान की है। चल तो फिर भी तू भी गया खानदान का है, दोनों एक से हो गए। सुन माय और बाप, माय और बाप, माय और बाप, भाई रे भाभी छोटी छोटी बहन से। अच्छा अरे कम से कम जब तुझे न्यारा होना है तो कम बखत पहले मेरे छोटे जो भान भाई रह रहे हैं इनकी शादी कर लें दे, फिर हो जी खूब शादी। हाँ मैं कह रही हूँ इन्हें रंडवाई मरण दे, ब्याह हो गया ना तुझे नहीं पूछने के ये। तू बावड़ा हो रहा है तू तो। दादाजी पता तो लगी होगी कि खानदान कितना बढ़िया है। हेलो हाँ। खानदान पे नहीं पहुंचेगा मेरे। अच्छा माय और बाप भाई रे भाभी हाँ? छोटी छोटी बहन से तेरी इतना गहरा मेल मारा हाँ? तने नहीं जान से। ओहो। और बात अच्छी लगे तो ताली चाहूंगा दोनों हाथों की सुनने के बाद में हाँ? इतना गहरा मेल मारा तने नहीं जान से हाथों ऊपर अच्छा? हाथों ऊपर रखे सारे करी ना पिछान से हाथों ऊपर रखे सारे करी ना उतने प्यारे हो जाएंगे। अच्छा। लालच के सम्मेल एक दिन दुश्मन सारे हो जाएंगे। मारे बालक ये चिंटू मिंटू रिंकू मीना सीना बस मारे बालक ये 17-18 बालक जाम के धर दिए मेरी छाती पे। मैंने किसी के पास कुर्ता नहीं है, किसी के पास कच्चा नहीं है, मैं कमाऊं तो कहां तक कमाऊं? तेरे पास ही कहां है, तेरे पास ही कहां है कच्चा और बलियान? क्यों ये कहां सारे सब? हेलो सब मेरे पियरता आ रहा है ए? सब पियरता आ रहा है मेरे। अरे सुनियो नु कह रही है कि पियरता आ रहा है, मेरे कपड़े भी आके पियर सा रहे, देखो सब पियरते आता है मेरे। अच्छा हाँ ये तेरे बालक अनु कह रहा है छाती पर जाम। मैंने मैंने एक बात बता हाँ जब पियर से बता रही है मेरे कपड़े ने
तो एक बात बताइए, कान के कहाँ से लाई? कान पियरता है ये भी। अरे ये गले का यार? गले का यार नहीं होता वो, हार होता है। हार पियर से, ये सूट पियर से, सलवार पियर से, चुन्नी पियर से, पियर से, ये छोरा पियर से। ना ना यो तो तेरा ही है। आइयो मेरे बच्चा, आइयो आजा। अरे आजा, चल मैं ही आ जाऊं। कितना मन भाई, एक बात सुन भगवान। अरे खड़ो खड़ा हो जाओ बेटा, खड़ा हो जाओ। अच्छा बेटा खड़ो हो जाओ, 10 रुपए दो। पहचान तो गए होंगे, तेरा ही ना है वो, और किसका है? ए, तेरा होता तो खड़ा हो जाता ना। है तो मेरा ही, तेरा नहीं है। हो जाओ बेटा, गलत जगह चला गया। अच्छा कोई बात ना, हो जाओ। शाबाश। एक बात बता, देख अगर तू इसे बताती तो बेटा खड़ो ही हो, अगर इसे बताती तो मेरे जच जाती कि यो मेरा है, क्योंकि मेरी आगे से शकल मिले ना मिले लेकिन पीछे से शरीर जरूर मिले। लेकिन एक बात बतायो, शाही के पेड़ कहां से लेगा ये तू? तुझे तो अपने बच्चों की भी नहीं पता। अरे पेड़ के पालिस तुझे हाँ, पता है हाँ, यो काला और यो भूरा क्यों है? क्यों है? यो तो हुआ था दिन में, अच्छा इसलिए यो भूरा है, अच्छा और यो हुआ था रात में इसलिए यो काला है। अच्छा यो अंधेरे में पैदा हुआ? अंधेरे में पैदा। तो सुन मेरी बात, कहे अपने सुन ले। कह दे डोलेगी। अच्छा सासू ननद जिठानी तू किसते देवर कह के बोलेगी। सुन हाँ, तेरा देवर, तेरा भाई, तेरी माँ हाँ, तेरा बाप, तेरी बहन, तेरा है सब कुछ, मेरा नहीं है कोई भी, मेरा बस तू है। मतलब तेरा परिवार में कोई साझा नहीं है? कोई साझा नहीं है मेरा, तेरा परिवार में कोई नहीं है। न्यारी रहूंगी, न्यारी। अच्छा हाँ, और ना हो तो क्या करेगी? ना होगी तो मैं दूसरा ढूंढ अच्छा? लूंगी घर का। न्यू बता, तू न्यारा होगा नहीं होगा? न्यारा एक बार सुन ले, अर्चे बार बार सुन ले, न्यारा नहीं हो, नहीं हो, नहीं हो। तो अब सुन मेरी बात, इसका उठ गयो मेरो हाथ। केक रहेगी बता? ताई तू भी ताऊ ने ऐसे ही मारा ही। अरे केक रहेगी बता, कम बखत अब के बीज बोवेगी। ओ काउत ने उठ गयो मेरो हाथ, सजन तो है ऐसो मारूंगी। ओ काउत ने उठ गयो मेरो रिश्तेदारों, एक बार हाथ उठा दो जो बावड़ में ब्याह छोड़ के, उन्हें हाथ उठा लो। ऐसे कितने बैठे हैं जो रोज ऐसे पीटे हैं? तू पीटता है बस, शर्म तो नहीं आ रही होगी? नहीं आ रही। नू कह रही है कि काऊ दिन उठ गए मेरे हाथ, बलम तो है ऐसे मारूंगी। जवाब दे दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है? हाँ दे। आपकी तरफ से ताली चाहूंगा। ओ काऊ दिन उठ गई मेरी हाँ। मारो ताली। क्या ताली मार रहे है? बीरवानी ने मारा है, तुम छुटाने की बजाय ताली और बजा रहे हो। ऐसो मारूंगा। कैसा? तारी, हाँ, तारी, हाँ। खाल उतार दूंगा देख। ओ काउत ने उठ गयो मेरो सजन तो है ऐसो को खत्म करते हुए। दादाजी रागनी समझ में आ रही है तो एक बार जोरदार ताली मार दो, जोरदार ताली। बिल्कुल अंतिम और लास्ट कली है, जिस समय मेरी तीसरी लाइन आए उस समय दोनों हाथों की ताली चाहूंगा, दोनों हाथों की, क्योंकि कवि लिखने वाले ने दिशा निर्देश दिया है। लेकिन एक बात सुन ले, अच्छा पिताजी ये बताओ माताजी है या चल बसी? चल बसी। ओहो गई माता तो, जब ही पिताजी एक दिशा निर्देश है। अच्छा बैठी है? अरे भले आदमी झूठ बोले हैं, ये दूसरों ब्याह करवाने के चक्कर में दिखे तो नाम और गोत वगैरह लिख के दे दियो भाई साहब, ज्यादा नहीं तो रिश्तेदारों एक हफ्ते में सुलझवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है।
तीसरी लाइन पर भाई सुनने के बाद मैं ताली चाहूंगा, बिल्कुल अंतिम गलिए कैसे लिखा वाला कहिए। पाल के इन वीरों को और कोई चीज सुहाती ना। अच्छा माता बहने मेरे साथ दे, नौजवान भाई भी अगर बात अच्छी हो तो साथ दे। गुरु बिरम पाल के इन वीरों को और कोई चीज सुहाती ना, अपना बालक अपना बालम तीजी चीज बाती ना। हाँ। और बताऊ बता। गरकुनबे में आग लगोए आंसू एक बहाती ना। गरकुनबे में आग लगोए आंसू एक बहाती ना। गरकुनबे में आग लगोए आंसू एक बहाती ना। गरकुनबे में रहवेगा तो न्यू ही झगड़े झोवेगा, एक दिन पाछे देख लिए तू अपनी इज्जत खोवेगा। मैं तो पीहर जा रही सू तू मूड पकड़ के दादाजी भेज दो, कोई दिक्कत तो नहीं है, भेज दे। पिताजी भेज दू, असली बीज तो तू ही है। भाई साहब सच कह रहा हूँ, रिश्तेदारों मैं सच कह रहा हूँ, अंतरात्मा से रो रहा हूँ, मंदिर के प्रांगण में खड़ा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा। जब मेरा रिश्ता होया तो छोरी देखने के लिए भेजा था, लेकिन इसने छोरी नहीं देखी। अच्छा। इसने अपने जुगाड़ खातर इसकी माँ देखी। माँ अरे शर्म आनी चाहिए कम से कम। जब भी कह रही हूँ सब अपने अपने जुगाड़ में लगे, तू क्यों अपना घर बिगाड़ा है। न्यू कह रही है कि पीहर जा रही हूँ भेज दू, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे जिसकी घरवाली ऐसे लड़ती हो रिश्तेदारों, थोड़ी देर भाई बंद समझ लेना, जिसकी ऐसे लड़ती हो वो बेशक छोड़ सकता है, क्योंकि आजकल लुगाइयों की भैंस की कोई ज्यादा कीमत नहीं है। और जिसका ब्याह ना हो रहा हो वो भाई साहब नाम गोद पत्रा लिख के दे दियो, 20,000 की 5 मेरे जुम्मे है 20,000 की 5। क्या मैंने और गुरुजी रामकिशन जी ने ऐसी जगह देख रखी है जहाँ 20,000 की 5 मिले हैं। 5 क्या मिले हैं? 5 भैंस बहु। 20,000 की 5 बहु। हाँ 20,000 की 5। हेलो। हाँ वो 5 दिन बिना टिकने की इतनी बता दूं मैं। हाँ अगर ढंग से काम करे, चाल चलन बढ़िया हो, परिवार को अच्छी तरह से रखे। हाँ। तो रखो। अच्छा। अगर इसकी तरह दुखी करे तो भाई साहब 60-70 हजार में आगे सप्लाई कर दो, 40-50 हजार के धंधा है। वाह बेटा वाह। रुक जा कहाँ जाऊँ? रुक जा हो जाने वाली रुक।